नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश ट्यूटोरियल आशीष सर पर। मेरा नाम है आशीष। डिस्कस कर रहे हैं 11th जून का एडिटोरियल, नो इजी सॉल्यूशंस। तो देखेंगे इसमें नए वर्ड्स एडिटोरियल, नए इडियम्स, नए फ्रेजल वर्ब्स, बहुत सारी नई चीज देखने को मिलेंगी। इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें या एडिटोरियल डिस्कशन स्टार्ट करें, इससे पहले बता देना चाहूंगा कि टेलीग्राम आप ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे आपका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें मैंने 31 मई तक के एडिटोरियल वर्ड्स जो द हिंदू के हैं वो मैंने वहाँ पे डाले हुए हैं, वो ज़रूर देखिएगा। तो इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। सीधा गूगल पे जाके आशीष सर इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर देख सकते हैं, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे एडिटोरियल वर्ड्स वहाँ पे 329 के करीब वर्ड्स हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नहीं दे पाया, लेकिन आप वहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्ड्स आप वहाँ पे फॉलो करें। और जो हमारा लाइव कोर्स चालू स्टार्ट करेंगे हम 30 जून को अन अकेडमी पर, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। बहुत सारे नए कोर्सेज जो मैं अन अकेडमी पर भी साथ साथ में ले रहा हूँ, वो भी लिंक्स नीचे दिए होते हैं। आप सारा डिस्क्रिप्शन जितने भी लिंक हैं उन सभी लिंक को ध्यान से देखा करें ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक बात और, अगर पहली बार आप ये सेशन देख रहे हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको मिलने वाली हैं आने वाले समय में, बहुत सारे टॉपिक्स मिलने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द नो इजी सॉल्यूशंस, कोई आसान समाधान नहीं है। बैड बैंक इज नॉट ए मैजिक बुलेट। मैजिक बुलेट लिखिएगा, मैजिक बुलेट का मतलब होता है सॉल्यूशन, उपाय। तो बैड बैंक जो है, देखिए बैड बैंक किसको कहा है वो देखेंगे, तो ये कोई समाधान नहीं है। टैकलिंग एनपीएस रिक्वायर्स अदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एज वेल। रिफॉर्म का सुधार होता है, स्ट्रक्चरल संस्थागत टैकलिंग हैंडल करना। एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो कि बैड लोन्स वगैरह हैं, जो लोन नहीं चुकाए गए हैं उनको कह सकते हैं आप, या ट्रबल्ड एसेट्स कह सकते हो। तो बैड बैंक जो है वो हल नहीं है, उपाय नहीं है। टैकलिंग एनपीएज, अगर आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो बैड लोन्स हैं उनको अगर टैकल करने की बात करते हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट होती है अदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, अन्य संस्थागत रिफॉर्म्स की एज वेल। यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल करंटली इन चार्ज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, जो हाल ही में वित्त मंत्रालय के प्रभारी हैं, हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ ए कमिटी। उन्होंने अनाउंस किया है कि हम एक कमिटी बनाएंगे, फॉर्मेशन का मतलब निर्माण करना, बनाना, टू असेस द आइडिया ऑफ स्पेशल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज टू टेक ओवर बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स। टेक ओवर का मतलब लिखिएगा, टेक ओवर का मतलब है टेक कंट्रोल ऑफ, नियंत्रण करने को, नियंत्रण लाने को बोलते हैं टेक ओवर। तो उन्होंने अनाउंस किया है कि जो नई कमिटी का हमने फॉर्मेशन किया है, किस चीज के लिए, टू असेस द आइडिया, इस विचार का मूल्यांकन करने के लिए। असेस का मूल्यांकन करना, काफी बार पहले भी ये वर्ड आ चुका था, ऑफ स्पेशल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो स्पेशल असेट का जो आइडिया है रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज का, और असेट मैनेजमेंट कंपनीज, इन कंपनीज का, टू टेक ओवर बैड लोन्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक से जो बैड लोन्स है उन पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। द बैंकर्स पैनल, जो बैंकर्स का पैनल है, हैज बीन गिवन 2 वीक्स टू रिवर्ट। उनको 2 वीक दिए गए हैं, किसके लिए दिए गए हैं, रिवर्ट का मतलब दोबारा जवाब देने के लिए, मान लीजिए रिवर्ट का रिटर्न को बोलते हैं। द आइडिया ऑफ ए बैड बैंक इज नॉट न्यू। बैड बैंक का जो आइडिया है वो नया नहीं है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम हैड सजेस्टेड द क्रिएशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एसेट रिहैबिलिटेशन एजेंसी टू डील विद व्हाट ही डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फेस्टरिंग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। फेस्टरिंग का मतलब लिखिएगा सेप्टिक को बोलते हैं, रिलेटिंग टू ए प्रॉब्लम विच इज बिकमिंग वर्स एंड मोर इंटेंस ड्यू टू लॉन्ग टाइम नेग्लिजेंस। कोई कह सकते हो आप एक ऐसी समस्या जो कि दिनों दिन और गहरी होती जा रही है, उसको कहते हैं हम फेस्टरिंग, और अधिक बदतर होना। तो चीफ इकोनॉमिक जो एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने सजेस्ट किया है कि क्रिएशन पब्लिक सेक्टर असेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी, जो पैरा जो है इसकी जो स्थापना है, इसकी जो क्रिएशन है, टू डील विद वॉट ही डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फेस्टरिंग ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। उन्होंने बताया कि किसके लिए स्थापना करनी है, किसके लिए क्रिएशन करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम जो बदतर होती जा रही है उससे डील करने के लिए हमें ऐसा करना है। बाय दिस ही मेंट, इसके द्वारा उनका मतलब यह था कि ओवर लिवरेज्ड कॉर्पोरेट्स, ओवर लिवरेज्ड का मतलब है कोई ऐसी फर्म जिसके ऊपर बहुत ज्यादा भार है, कर्ज का भार है, उसको बोलते हैं ओवर लिवरेज्ड। लिख लीजिएगा यहां पे, इसका मतलब हो गया ओवर लिवरेज का मतलब है ऐसे संस्थान जिस पर बहुत ज्यादा कर्ज का भार है। इस स्टेटमेंट से उनका मतलब यह था कि ओवरलेस जो कॉर्पोरेट्स हैं, अनेबल टू सर्विस डेट और इन्वेस्ट एफ्रेश, जो अनेबल टू सर्विस डेट्स, जो कि अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, नया इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बैंक्स हिट बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और बैंक्स जो हैं
वो नॉन फॉर परफॉर्मिंग एसेट से जूझ रहे हैं, केजी अबाउट फ्रेश लैंडिंग, सी ए जी ई वाई लिख लीजिएगा, सी ए जी ई वाई से मतलब होता है नॉन कमिटल, नॉन कमिटल कह सकते हो या फिर सतर्क कह सकते हो। तो बैंक्स जो हैं वो केजी अबाउट फ्रेश लैंडिंग, वो दोबारा धन उधार देने के लिए बहुत सतर्कता अपना रहे हैं क्योंकि उनका पहला ही पैसा नहीं आया है। दिस ओवरहैंग हर्ट्स, ओवरहैंग, ओवरहैंग का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जो कि लगातार अनिर्णायक है, लटकी हुई है, उसको बोलते हैं ओवरहैंग। काफी लंबे समय से अस्थिरता का दौर बना हुआ है, उसको बोलते हैं ओवरहैंग। ये जो ओवरहैंग है हर्ट्स न्यू इन्वेस्टमेंट्स, इससे नया इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है एंड कंटिन्यूज टू डेंट इंडियाज मीडियम टर्म ग्रोथ। और इससे क्या है, डेंट का मतलब होता है कम करना, और जो भारत का मीडियम टर्म ग्रोथ है उसको लगातार वो कम करता है। एंड जॉब क्रिएशन प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब है संभावना, और जो नए जॉब क्रिएशन की संभावना है उसको कम करता है। अ प्रोफेशनली रन पैरा, प्रोफेशनल तौर पे चलाया जा रहा जो पैरा है, जो बताया था आपको अभी ऊपर, और द सो कॉल्ड बैड बैंक या बैड बैंक कहें, कुड अज्यूम कस्टडी ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू रिजोल्व एनपीए एनपीएस फ्रॉम लेंडर्स बैलेंस शीट्स। कुड अज्यूम कस्टडी, कुड अज्यूम, अज्यूम का मतलब पूर्वानुमान लगाना कह सकते हो आप। तो ये कह रहा है कि ये कुड अज्यूम कस्टडी, ये कस्टडी को अज्यूम कर सकता है। क्या कहना चाह रहा है कि कुड अज्यूम कस्टडी ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू रिजोल्व NPAs from lenders balance sheets। जो NPA जो है नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं lenders balance sheets के, उनको रिजोल्व करने की बात यहाँ पे कर रहा है, ये रिजोल्व कर सकता है। दिस वुड अलाउ बैंक्स टू फोकस ऑन एक्सटेंडिंग फ्रेश क्रेडिट। इससे क्या होगा कि बैंक्स को, बैंक्स फोकस कर पाएंगे दोबारा से फ्रेश क्रेडिट देने में एंड सपोर्टिंग द पिकअप इन ग्रोथ, और ग्रोथ को पिकअप कर पाएंगे। मोर इम्पोर्टेंटली, इससे अधिक इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि बैड बैंक टेकिंग टफ डिसीजंस on borrowers gone bad, it was argued, could free bankers from the risk entailed in large loan write-downs। Entail लिखिएगा, entail का मतलब है इफेक्ट करना या परिणाम निकलना, परिणाम स्वरूप कह सकते हो। A bad bank taking tough decisions or borrowers gone bad। एक bad bank जो होता है वो tough decision ले सकता है कि borrowers जो हैं वो अब मतलब हमारे वो काम नहीं देंगे, या फिर कहें कि वो लोन नहीं चुका पाएंगे। It was argued, ऐसा argue किया गया था, could free bankers from the risk। अब ये क्या है, बैड बैंक जो है बैंकर्स को रिस्क से फ्री कर देगा। entailed in large loan write down, जो कि बड़े बड़े लोन जब होते हैं परिणाम स्वरूप जो बैंकर्स उलझते दिखते हैं वो अब दायित्व तो नहीं रहेगा बैंकर्स का, ये सब कुछ संभाल लेगा। राइट डाउन लिख सकते हैं, a reduction in the calculated estimated value of something। आप कह सकते हैं जो असेट की बुक वैल्यू है उसे कह सकते हैं आप राइट डाउन्स, ओके, असेट की बुक वैल्यू। बट देयर आर गुड रीजंस, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कारण भी है व्हाई द फाइनेंस मिनिस्ट्री लेफ्ट द बैड बैंक आइडिया इन द कोल्ड, कि ऐसे अच्छे रीजंस भी हैं कि क्यों वित्त मंत्रालय ने बैड बैंक का जो आइडिया है ठंडे बस्ते में डाल दिया ओवर द पास्ट ईयर, पिछले वर्षों में। एंड एल हाफ अमंग देम द फैक्ट दैट द न्यू एंटिटी वुड नीड ए लॉट ऑफ कैपिटल सपोर्ट। और उनमें से ये भी था कि बहुत से ऐसी चीजें थी कि नई जो संस्था है, एंटिटी है, उसमें बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी, जस्ट एज बैंक, जैसे कि बैंकों की जरूरत पड़ती है। सम ऑफ दिस वॉज एनविसेज्ड एज कमिंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कुछ तो ऐसा अनुमान लगाया गया। एनविसेज का मतलब होता है पहले से देख पाना, भविष्य में देख पाना। कुछ ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कुछ पैसा तो है रिजर्व बैंक से आ जाएगा थ्रू ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन, कॉम्प्लिकेटेड ट्रांजेक्शन के द्वारा। आफ्टर लॉन्ग डिबेट विद इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के जो लोग थे उनके बीच में जो तर्क वितर्क हुआ अंडर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली इनके अधीन, इट वॉज नोटेड, ऐसा देखा गया दैट सेटिंग अप ए न्यू इंस्टीट्यूशन वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि नया संस्थान स्थापित करना जो है इस काम के लिए वो तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। एंड देयर वुड बी चैलेंजेस ऑन इट्स ऑनरशिप स्ट्रक्चर एज वेल एज द प्राइसिंग ऑफ बैड लोन्स टेकन ओवर फ्रॉम बैंक्स, और साथ ही इसका ओनरशिप किसको देंगे आप, ये भी बड़ा एक मुद्दा रहेगा। साथ ही एक मुद्दा रहेगा कि जो बैंक से बैड लोन्स पर जो आप नियंत्रण कर रहे हो उसकी प्राइसिंग कैसे तय करेंगे। इन एनी केस गोइंग बाय द एक्सपीरियंस ऑफ प्राइवेट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, यदि किसी भी केस में अगर आप प्राइवेट असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के आइडियाज को फॉलो करते हैं, ए पैरा बाय इटसेल्फ वुड नॉट बी एबल टू डिप्लॉय ड्रामेटिकली डिफरेंट टूल्स, डिप्लॉय का मतलब तैनात करना, लगाना, तो पैरा जो है वो खुद भी डिफरेंट टूल्स नहीं लगा पाएगा टू एक्सट्रैक्ट बेटर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट्स। किसके लिए, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्ग्रहित करना, निकालना, बेटर वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एसेट्स हैं उनसे अच्छी चीजें, अच्छी वैल्यू नहीं निकाल पाएगा। एंड वुड एट बेस्ट अमाउंट टू विंडो ड्रेसिंग बैंक, विंडो ड्रेसिंग बैंक आप लिखिए, विंडो ड्रेसिंग बैंक का मतलब होता है एक ऐसा कार्य जो कोई चीज प्रेजेंट करता है कि लगता है कि बहुत अट्रैक्टिव है, दूर से लगता है अट्रैक्टिव, उसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अमाउंट टू विंडो ड्रेसिंग,
बैंक बुक्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, इससे क्या होगा कि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एज फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन हैड पॉइंटेड, जैसा कि उन्होंने संकेत दिया था भूतपूर्व गवर्नर ने, अ गवर्नमेंट ओन्ड बैड बैंक, अगर गवर्नमेंट के अधीन कोई बैड बैंक है, कुड स्टिल फेस स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी का मतलब होता है सूक्ष्म जांच पड़ताल को बोलते हैं स्क्रूटिनी, वहां पे जांच पड़ताल हो सकती है जो महानियंत्रक लेखा नियंत्रक है उनके द्वारा, एंड द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और सतर्कता आयोग जो है उसके द्वारा, आयुक्त उनके द्वारा। फॉर नाउ द गवर्नमेंट इज क्लियरली अंडर प्रेशर, अब जो गवर्नमेंट है प्रेशर में है, टू डेमोस्ट्रेट फ्रेश इंटेंट टू इन्वेस्टर्स एज इंडिया इंक बिलीव्स बैंक लोन्स आर लाइकली टू रिमेन स्लगिश फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स। स्लगिश का मतलब मंद पड़ना, धीमा पड़ना। तो क्या बोलना चाह रहा है, अभी के लिए गवर्नमेंट जो है प्रेशर में है, ये दर्शाने के लिए कि फ्रेश इंटेंट टू इन्वेस्टर्स एज इंडिया इंक। तो ये कह रहा है कि भाई भारत जो अभी जो है ये एक बहुत ही बड़े आप कहें कि दबाव में है कि अब दिखा पाए अपना इरादा कि इन्वेस्टर्स भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आर लाइकली टू रिमेन स्लगिश, क्योंकि भारत के अंदर ये पता है कि भारत में जो बैंक लोन्स है अभी धीमा पड़ा रहेगा 2-3 सालों तक। वेदर और नॉट द नोट्स इन द बैड बैंक आर सॉर्टेड आउट, नोट्स का मतलब मुश्किलें आप कह सकते हो, वैसे गांठ को बोलते हैं नोट्स। तो ये कह रहा है कि अब चाहे जो ये बैड बैंक के नोट्स हैं वो खुल पाए नहीं खुल पाए, सॉर्ट आउट हो पाए, सुलझा इसका समस्या का समाधान हो पाए कि नहीं हो पाए, द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन अदर रिफॉर्म्स एज वेल, गवर्नमेंट को कुछ और सुधारों पर भी ध्यान देना चाहिए। वन, पहला तो ये है कि अमेंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एक तो आप संशोधन करें जो करप्शन एक्ट का जो एक्ट है, करप्शन एक्ट है, उसके जो प्रिवेंशन में संशोधन करें टू शील्ड बैंकर्स, ताकि बैंकर्स और ऑफिसर्स को सुरक्षा का प्रदान कर सकें फ्रॉम इन्वेस्टिगेटिव विच हंट्स। विच हंट्स का लिख लीजिएगा, एक इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप अगर इसमें कमजोर आप कोई करप्शन चार्जेस आप पर हैं तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उसको विच हंट बोल सकते हैं, तो इनसे बच सकें वो। टू, बैक बैंकर्स टू टेक डेमोन्स्ट्रेबल एक्शन अगेंस्ट विलफुल डिफॉल्टर्स, विलफुल डिफॉल्टर्स स्वेच्छाचारी जो डिफॉल्टर्स हैं उनके खिलाफ बैक बैंकर्स जो हैं कार्यवाही कर पाएं। एंड तीसरा, थर्ड जो है, टेक अ हार्ड लुक एट व्हाट एल्स द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तीसरा बड़ा सख्त रवैया अपनाया जाए, एल्स का मतलब तकलीफ देने को बोलते हैं, जो भी इंसॉल्वेंसी दिवालिया का जो कोड है, आसान इंसॉल्वेंसी दिवालियापन को, बैंकरप्सी दिवालियापन को बोलते हैं कि पैसा नहीं चुका पाने की स्थिति, तीसरा ये है कि इनके खिलाफ सख्त रवैया अपनाया जाए कि जो क्या होता है कई बार दिवालिया घोषित कर दिया आपने, पैसा नहीं चुकाओगे, तो ये कुछ चीज़ें हैं कि उनसे पैसा नहीं लिया जाता है क्योंकि उन्होंने दिवालिया घोषित कर दिया गया है, उनके खिलाफ भी सख्त रवैया अपनाया जाए जो तकलीफ देता है इस कोड को। ओके, तो ये 11 जून का हमने किया है, 12 जून के एडिटोर से मुलाकात होगी, देखते रहिए, जुड़े रहिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल एडिटोरियल चल रहे हैं, सब कुछ नोट करते थे जैसा कि मैंने कहा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, साथ ही आप लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं दे देता हूं आपको डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके आप वहां भी जुड़ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस सेशन।